नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक का हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर में इसकी डिफॉल्ट डाउनलोड लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, या फिर जब भी आप लोग इंटरनेट से कोई भी फाइल को डाउनलोड करें तो ब्राउजर आप लोगों से पूछे कि आप लोग उस फाइल के साथ क्या करना चाहते हैं, उसको खोलना चाहते हैं या फिर उसको सेव करना चाहते हैं, और अगर उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कहाँ करना चाहते हैं, ये आप लोगों से ब्राउजर हर एक इंडिविजुअल फाइल को डाउनलोड करते समय पूछे। ये आप लोग सेटिंग कैसे कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए अपने कंप्यूटर लैपटॉप में मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर या फिर गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं और इन ब्राउजर में आप लोग डिफॉल्ट डाउनलोड लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, इस संबंध में मैंने आप सभी लोगों के लिए दो वीडियो बनाए हैं। आप लोग इन वीडियो को देख सकते हैं, इन दोनों वीडियो का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप लोग वहां पर से क्लिक कर इन वीडियो को देखकर इन दोनों ब्राउजर की भी डिफॉल्ट डाउनलोड लोकेशन को आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर में और इसके डिफॉल्ट डाउनलोड लोकेशन को चेंज कर लेते हैं। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, एज ब्राउजर को खोल लीजिए। उसके बाद आप लोगों को टॉप राइट कॉर्नर पर यहाँ पर तीन डॉट दिखेंगे, आप लोगों ने इन तीन डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग तीन डॉट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर से ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो आप लोगों ने यहाँ पर से सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर से पहुंच जाएंगे सेटिंग्स वाले पेज पे और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है डाउनलोड्स का, क्योंकि हम लोग डाउनलोड्स की सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर से डाउनलोड्स की सेटिंग को एक्सेस करना है। तो आप लोग यहाँ पर से डाउनलोड्स को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर से डाउनलोड्स की सेटिंग पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर से आप लोग डाउनलोड्स की सेटिंग को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला ऑप्शन मिलता है लोकेशन का, लोकेशन के अंदर यहाँ पर आप लोगों को जिसकी जो डिफॉल्ट लोकेशन है उसका एड्रेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका पाथ देखने को मिलेगा। इसका जो डिफॉल्ट पाथ होता है वो होता है सी, और सी के अंदर फिर यूजर्स, यूजर्स के अंदर जिस भी यूजर के थ्रू आप लोगों ने अपने सिस्टम पे लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद जो डाउनलोड्स का फोल्डर होता है वो इसकी डिफॉल्ट लोकेशन होती है। अब अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहते हैं, अपने मन मुताबिक रखना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर से चेंज पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर से चेंज पे क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर से इसकी जो भी डिफॉल्ट डाउनलोड लोकेशन रखना चाहते हैं वो आप लोग रख सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को किसी ड्राइव के अंदर रखना है सी डी ई, या फिर आप लोगों को डेस्कटॉप के अंदर रखना है, डाउनलोड्स के अंदर कोई फोल्डर बनाना है उसके अंदर रखना है, तो कहीं पर भी आप लोग इसको रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर से न्यू फोल्डर ले लिया और न्यू फोल्डर का मैं यहाँ पर से नाम लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर से एज लिख दिया और मैंने यहाँ पर इस फोल्डर को बना दिया। अब इसको मैंने यहाँ पर से क्या करना है, सेलेक्ट फोल्डर को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर से सेलेक्ट फोल्डर को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट फोल्डर को सेलेक्ट करा तो ये देखिए हम लोगों ने डिफॉल्ट डाउनलोड लोकेशन को सक्सेसफुली चेंज कर दिया है। हम लोगों ने डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बनाया था एज नाम का और इसी एज फोल्डर के अंदर अब आप लोगों की जितनी भी फाइल्स है, जो भी डेटा है, वो डाउनलोड होगा। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है आस्क मी व्हाट टू डू विद ईच डाउनलोड। आप लोगों से ब्राउजर हमेशा पूछे कि आप लोग हर डाउनलोड के साथ क्या करना चाहते हैं। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज आस्क मी इफ आई वॉन्ट टू सेव अ फाइल और ओपन इट विदाउट सेविंग। तो यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेंगे कि क्या आप लोग उस फाइल को अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर ओपन करना चाहते हैं या फिर आप लोग उसको परमानेंटली सेव भी करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में। अगर आप लोग इसको सिर्फ ओपन करेंगे तो ओपन के केस में क्या होगा, आप लोगों के उसमें इसकी जो परमानेंट कॉपी है आप लोगों के कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं होगी, सिर्फ आप लोगों के करंट टाइम पर इससे रैम में लोड होगी और उसके बाद वहां पर से वो डिलीट हो जाएगी अगर कुछ ऐसी फाइल होगी। अगर आप लोग उसको सेव कर देते हैं तो उसकी कॉपी जो है वो परमानेंट आप लोगों के कंप्यूटर लैपटॉप में सेव हो जाएगी। तो ये ऑप्शन अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको ऑन करना होगा। आप लोग इसको ऑन कर लीजिए। जब आप लोग इसको ऑन करेंगे तो होगा क्या, वो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से हम लोग कोई भी एक फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर से क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड करता हूँ, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास ऑप्शन आ गया उसको ऑन करने से। जब आप लोग इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर फिर आप लोगों के पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप लोग नहीं चाहते कि ये ऑप्शन आप लोग के पास आए, आप लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट आप लोग की फाइल से हो जाए, तो आप लोग ये वाला जो ऑप्शन है इसको बंद कर देंगे तो जो फाइल है वो डायरेक्ट आप लोगों के डाउनलोड लोकेशन पर सेव हो जाएगी। तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला ओपन। अगर आप लोग ओपन को सिलेक्ट करेंगे तो आप लोग उसमें इसकी कॉपी नहीं बनेगी, सिर्फ ये फाइल जो है वो करंट टाइम पर खुलेगी। दूसरा ऑप्शन सेव एज का ऑप्शन मिलता है, सेव एज में ड्रॉप डाउन मिलता है। ड्रॉप डाउन में अगर आप लोग इसको सेव को सिलेक्ट करेंगे तो ये जो फाइल है ये आप लोगों के कंप्यूटर लैपटॉप में परमानेंटली सेव हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर से आप लोगों को खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर से देखिए हम लोगों ने डिफॉल्ट डाउनलोड लोकेशन को बनाया था, डेस्कटॉप के अंदर एज फोल्डर बनाया था और यहाँ पर से जो हमारी फाइल है वो सक्सेसफुली इसी लोकेशन पे डाउनलोड हो गई है। तो ये हैं दो तरीके जिसका इस्तेमाल करते हुए आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर में डिफॉल्ट डाउनलोड लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हर फाइल के साथ आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इसको कर सकते हैं।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग के काम आया तो आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही हाउ टू वीडियो देखने के लिए हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए सभी नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।